हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट आ गई है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मैं इस पोस्ट के बारे में आपसे बात करूंगा कि ये क्या खबर है और इस खबर में कितनी सच्चाई है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करें, इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहूंगा। दोस्तों, हमने आपके एग्जाम को लेके रेलवे ग्रुप डी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें एक से कि रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी सारी जो पोस्ट होते हैं इम्पोर्टेंट, वो शेयर की जाती है। और ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आप भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और देखिए इस ग्रुप में किस तरह से नोट्स वगैरह जो है रेलवे ग्रुप डी की, वो शेयर किए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारे इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं रेलवे ग्रुप डी के, जो कि हमारे द्वारा भी शेयर किए जाते हैं और बाकी स्टूडेंट भी शेयर करते हैं। तो इस ग्रुप में मैं उन्हीं लोगों को ऐड करूंगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नंबर कमेंट करेंगे, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इससे पहले उन लोगों को एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए, आपके इस वाले सवाल का सही जवाब देना है। जो बच्चे इस वाले सवाल का सही जवाब देंगे उनको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उनको स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो सवाल देख लीजिए आज का। आज का सवाल है, अर्जुन पुरस्कार, जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके ऑप्शन है, एक नंबर पे है गणित, दो पे विज्ञान, तीन पे साहित्य, या चार पे खेल। तो आप ऑप्शन में चार लिखिएगा अगर चार सही है, तीन लिखिएगा अगर तीन सही है, जो भी सही है वो सही ऑप्शन डालिएगा। और जिनका सही जवाब होगा वो अपना नंबर कमेंट कीजिएगा, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और साथ ही उनको स्टडी मटेरियल उनके नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा। तो चलिए मैं उस खबर की तरफ चलता हूँ जो की वायरल हो रहा है काफी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके एक ये न्यूज है जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो 17 सितंबर से है। देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ इसको पत्रिका न्यूज नेटवर्क के तरफ से ये न्यूज पब्लिश हुई है, जिसमें लिखा गया है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगभग 90,000 पदों के लिए भर्ती आवेदन किए गए, जिसका लिखित परीक्षा जो है 17 सितंबर से शुरू, यानी कि 17 सितंबर। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें एक साल का जिक्र नहीं हुआ है। तो आपको बता दूं, ये जो एक्चुअली जो न्यूज है ये पिछले वर्ष की है। पिछले वर्ष जो रेलवे ग्रुप डी के 50,000 करीब 50-60 हजार के आसपास पद थे और 30,000 पद लोको पायलट के थे, तो कुल मिला के जो पद हो रहे थे वो 90,000 हो रहे थे। तो ये पिछले साल की न्यूज है जो की इस साल इसको वायरल किया जा रहा है। तो ये न्यूज जो है एक्चुअली फर्जी है। अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है, तो आप लोग को ऐसे किसी भी खबर के पीछे नहीं पड़ना है और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कीजिए, जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा हमारे चैनल से बता दिया जाएगा। तब तक आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए, इधर उधर के वीडियो में अपना समय व्यतीत मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।